30 अप्रैल 2024 आप एक आपको कुछ स्टडी करना है और आप वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो और फिर वहाँ पर आपको जो जिधर एडमिशन चाहिए जो कोर्स के अंदर वहाँ पर आप क्लिक करते हो। वो क्लिक के बाद एक ब्रोशर आता है और वो ब्रोशर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है और आपको ये पूछा जाता है फॉर्म भरने से पहले कि आपने ब्रोशर की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी क्या। तो आप बोलते हैं हाँ, ऐसे क्लिक करते हैं यस, और फिर आपके पास वो फॉर्म आता है, आप वो फॉर्म भरते हो, पैसा भरते हो ऑनलाइन और फिर आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। आपको एक एग्ज़ाम देना होता है तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके अंडर कंडीशंस होती है कि कट ऑफ मार्क कितने होंगे। वो हर एक जगह पर हो गया है आजकल, कट ऑफ मार्क्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, MBA हो, लॉ हो, हर एक जगह पर कट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो इस मैं जो जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेट डिग्री कॉलेज, MA इन पॉलिटिकल साइंस। जो पिटिशनर था उसने ऑनलाइन एडमिशन लिया, उसने ब्रोशर पढ़ा, क्योंकि उसके ब्रोशर के बाद नीचे यस आता है, वो उसने यस पे क्लिक किया, उसने फॉर्म भरा और उसने पैसे भी भर दिए। फिर वहाँ पर ब्रोशर में वो जो उसका जो एडमिशन था सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने 26.25 मार्क्स स्कोर किए थे, हालांकि 70 मार्क्स जो है वो कट ऑफ मार्क्स थे। और उसको ये कहा गया कि आप कॉलेज आओ और आपकी फीस और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप कलेक्ट कर लो। अभी इस बंदे ने इस कैंसिलेशन को चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और ये आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और पिटिशनर है अखिलेश कुमार वर्सेस इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी थ्रू रजिस्ट्रार। तो कोर्ट ने क्या कहा कि एडमिट कार्ड जो है, उसने आर्ग्यू किया कि एडमिट कार्ड पे तो ये नहीं लिखा है, तो एडमिट कार्ड पे ये लिखा हुआ होता है कि इट डज़ नॉट मीन, यानी कि एडमिट कार्ड आपको दिया उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी है, और डॉक्यूमेंट्स भी स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे। आगे पिटिशनर के काउंसिल ने क्या आर्ग्यू किया कि पिटिशनर ने एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए पिटिशनर को, और ये जो कैंसिलेशन है वो कहीं पर भी प्रोविजन नहीं था, और आर्ग्यूमेंट जो है कि कैंसिलेशन बेस्ड ऑन कट ऑफ मार्क्स, मतलब कि आपने 70% नहीं आया, 70 मार्क्स नहीं आए, तो आपने कट ऑफ आपको कैंसिल करने का अधिकार है, वो किधर भी नहीं लिखा है। तो आर्ग्यू हुई कि ये ब्रोशर में लिखा हुआ है और आपने ऑनलाइन जब एडमिशन लिया तभी ये जो है वो आपने पढ़ा, ऐसा आपने क्लिक किया कि यस आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हुई है, और बाद में आपने फीस भरी। तो ये जो है डिवीजन बेंच, उन्होंने क्या होल्ड किया, उन्होंने कहा कि पिटिशनर जो है वो इन एलिजिबल है क्योंकि उसने कम मार्क्स स्कोर किए, और सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, और पिटिशनर ने डेक्लेरेशन भी साइन किया है कि मुझे सब इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ ली। तो उसके बाद वो ये नहीं कहा जाता, उससे ये नहीं, उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि उसके अंदर कुछ लिखा नहीं था या तो ही वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा वो आर्ग्यू नहीं कर सकता। और दूसरी एक बात है कि उसको एक बार सुन लेना चाहिए, वो ये जो है वो इल्यूजनरी है और ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है, ये कह के कोर्ट ने पिटिशनर की जो पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी है, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है।
यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अगर एडमिशन के लिए कोई भी वेबसाइट पे गए हो, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसका ब्रोशर पढ़ रहे हो, तो आप सही में पढ़ो। आप उसका चाहे तो प्रिंट आउट निकालो या आराम से ब्रोशर की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, और उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा कि आपने ब्रोशर पढ़ा कि नहीं। पढ़ने के बाद ही आप वो डिक्लेरेशन सही करो, और उसके बाद आपके पास एक फॉर्म का वो आएगा, वो फॉर्म भरो और फीस भरो। अगर आप बिना ब्रोशर पढ़े आपने डिक्लेरेशन साइन किया, तो आपको कोई अधिकार नहीं रहता कि बाद में आप उसको चैलेंज करो या ये कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो सुरक्षित रहिए, पढ़िए, समझिए और फिर आगे बढ़िए।